एनके स्टूडियो पर के श्री राम कह मंदिर में दिल होते हैं प्रसन्न, वहां हो जाते हैं दर्शन, गाना गाते हैं कीर्तन। बरसन लग्या जो दूध का खाड़ा, सारे गांव का तू रखवाड़ा, सुंदर शिवाला तेरे गल में। ये महिमा बाबा की एक भजन, ये जो हरियाणा संस्कृति के बहुत ही अच्छे अच्छे गायक महाशय जी आपके बीच में बैठे हैं, प्यार और प्रेम का सत्संग है। इस सत्संग में चार चांद लगाती ये गाथा जो दादा नंदलाल जीयों की, ऐसे एक रचना क्या है? सफल बनाओ नाओ जी श्री गंगम है, आओ जी सत्य संग में अपना जीवन सफल बनाओ नाओ जी श्री गंगम है, आओ जी सत्य संग में अपना जीवन सफल बनाओ नाओ जी। आओ जी सत्संग में अपना जीवन सफल बनाओ ना हो जी श्री गंग में, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, या आधी घड़ी हजारों वर्ष की तपस्या ते विपुल कहे, और यहां पर आने तर भीड़ कट्ठी करणते एक दूसरे कान में कान्ना फुर्सी करणते कुछ फायदा नहीं है, उस परमपिता परमात्मा में लीन होना पड़ता है, उसी को सत्संग बोलते हैं। यहां पर दादा ने एक आभूषण बताया, वो आभूषण पहनना जरूरी है। वो आभूषण क्या है? सत्य। नंबर एक पर क्या कहा, उसी का है जो सत्य को लेकर आते हैं, और सत्यवादी न करें उपाधि ये व्याधि दूर हटाते, फिर सत्यवादी न करें उपाधि व्याधि दूर हटाते हैं, पाते हैं जो ऊंचे पद को, पद को समझ लखे बेहद को, पाते हैं जो ऊंचे पद को, पद को आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए भाई बबरू मंडाना गांव से, बहुत अच्छे सांस्कृति प्रेमी, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यू कहा सत्संग नाम उसी का है जो सत को लेकर आते हैं, सत्यवादी ना करें उपाधि ये व्याधि दूर हटाते हैं। पाते हैं जो ऊंचे पद को समझ लखे बेहद को, मद कुमार दूर कर ममता समता को अपनाते हैं। हो जाते बेलाग वो भाग प्रेम का खेल मेल, दिल रंगले हरी भजन में हरी के गुण गाओ आओ जी सत्संग। और देखे कोई माना नहीं सोचता हो कि ते ढूंगे मारने वाली दिख ली न्यू हो सब इससे आनंद है, नहीं। जीवन का असली ज्ञान और असली आनंद सत्संग के अलावा कुछ नहीं है। नंबर दो पर क्या कहें, संगत बड कह दुनिया में और कोई आनंद नहीं, जती सती सुभगति समझते मूरख को पसंद नहीं। जती सती सुभगति समझते मूरख को पसंद नहीं। गंद नहीं जिस फूल बीच में रड़ा रहो चाहे धूल बीच में, गंध नहीं जिस फूल बीच में आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई केडी शर्मा सावड़ से, और एक भाई और है सावड़ से, बहुत सांस्कृतिक प्रेमी है भाई, मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग ते बढ़के दुनिया में और कोई आनंद नहीं, जति सती शुभ गति समझते मूर्ख हो पसंद। ये हमारे लिए बहुत आदरणीय है, बहुत अच्छे मटका वादक मुकेश चिड़ी गांव से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। जति सती शुभ गति समझते मूर्ख को पसंद नहीं, और देखे उसकी कदर नहीं हुआ आकर दुनिया में। वो ये न्यू सोचा वो सेंट की खुशबू आवे, खुशबू चरित्र की होती है। गंध नहीं जिस फूल बीच में रड़ा रहो चाहे धूल बीच में, भूल बीच में पड़ के सो गया हो के माया के बस में, रस में विष दिया घोड़ हो, सत का तोल तराजू उठा ले भाव जचा ले अंग में, हरी के गुण गाओ आओ जी सत्संग में। फिर नंबर तीन पे नु कह भगवान किसे न सुख दे और कितना के दे, एक है नंबर तीन पे। समागम हर की लीला तुलसी दुर्लभ दो कथगे, कर बार नार सुतदार लक्ष्मी पापी के भी हो बस गे, कर बार नार सुतदार लक्ष्मी पापी के भी हो बस गे। जो कथगे मुख से सत
नंदलाल जी 100 रुपए से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। संत समागम हर की लीला, तुलसी दुर्लभ दो कथिये, घरबार नार सुतदार, लक्ष्मी पापी कभी हो बस गे, जो कथिये मुक्ते सतबाणी उनकी होगी अमर कहानी। नहीं पछाणी जाति नीति बीती उम्र अगार्थ में, ना परमार्थ में ध्यान। और यहाँ पे इतने बड़े गाने वाले कलाकार तो है नहीं, कुछ है गाने वाले न्यू कहेंगे ज्ञान गरीबी से पाता है। गरीबी बहुत देखी गाने मानस गरीबी में मर गए, न्यू के सब न ज्ञान हो जाए। ज्ञान गुरुजी से पाता है जब आता है सही ढंग में। नंबर 4 पे ₹100 आदरणीय अभय गोड जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ₹100 चाचा विष्णु सनोप श्याम सुंदर शर्मा जी गांव चिड़िया से, ₹100 से पहले ₹100 से और मान सम्मान आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते, धन्यवाद। अश्विनी कुमार सोनीपत से ₹100 से आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। ₹100 रामकिशन सनोप आदरणीय नंदलाल जी, ₹100 से आशीर्वाद देते हैं, बार बार अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई कैमरामैन अन के भाई साहब खसिए क्यों ला रहे हो भाई? हाँ न्यू तो बड़ा बिना जुड़ते थोड़ा, हाँ कर लियो भाई सोशल डिस्टेंस, थारा थारा हूं। ₹100 घनश्याम सनोप रामकरण जी, ₹100 से आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई तमन न चला के मेरे ख्याल में बैठ जाओ तम भी। हाँ नाउ ये मासे जी बाली शर्मा जी बहुत पुरानी बात है, उनकी पिंडिया में खून उतरिया होगा। पवन सुपुत्र श्री नंदलाल ₹100 से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, बार बार नमन है, नमन। फिर नंबर 4 पे जीवन का सार बताया दादा ने, नहीं बोला भाई अपने जीवन का सार ये है के कहा, सत्संग में समय बीत जा वही सार जिंदगानी का, दिन रात गातम फिक्र लग्या रह कदे लाभ कदे हानि का, दिन रात गातम फिक्र लग्या
100 रुपये आदमी।